अस्सलाम वालेकुम बाइक रिपेयरिंग टीवी के साथ मैं बाबर हुसैन। आज मेरे पास ये चाबी स्विच आया हुआ है, इसकी चाबी जो है ना वो गुम हो चुकी है और भाई कह रहे थे इसका स्विच जो है ना वो नया डालना है। तो मैंने कहा यार यही अगर मैं ठीक कर दूँ तो वो कहता है यार कोई बात नहीं कर दो, अगर ये अच्छे वाला स्विच मैंने डाला था, मैंने कहा कोई बात नहीं कर देता हूँ। जो ओरिजिनल स्विच है वो तकरीबन 550 रुपये का आता है और जो दूसरा स्विच है वो आता है 250-300 रुपये का, और इसी स्विच को मैं ठीक करूँगा बिल्कुल 0 रुपये में, ठीक है ना। ये चाबी मेरे पास मौजूद है, इसको मैं इस स्विच को जो है ना वो बिल्कुल ठीक करूंगा। पहले सबसे पहले इसका मीटर खोल के इसका स्विच बाहर निकालता हूँ। ये काम आप घर में भी कर सकते हैं, ये मुश्किल काम नहीं, आसान सा काम है। किसी से भी आप इस तरह की जो चाबी है ना आपके स्विच के अंदर जाती है वो आप लोग देकर अपना स्विच जो है ना बिल्कुल फ्री ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये चाबी जो है ना इसको मैं इस स्विच में लगा कर स्विच बिल्कुल ठीक करता हूँ, नया कर देता हूँ, ठीक है। अभी 10 नंबर चाबी के साथ इसका जो स्विच है नीचे से वो मैं खोल लेता हूँ। अभी नट को मैंने खोल दिया है, अभी इसको मीटर को बाहर निकाल के इसकी वायरिंग खैर उतरी हुई है नीचे से बर्कफ, कोई बात नहीं, पहले इसको ठीक करता हूँ मैं। आप लोगों ने नीचे से नहीं निकालना अगर आपका स्विच खराब है, यहाँ से खोल के ऊपर ही गाड़ी के ऊपर ही स्विच को मैं ठीक करूँगा बिल्कुल नया करूँगा। चाबी स्विच को निकालिए बाहर, ये ऊपर पतली लगी होती है ये वाली, इसको आप लोगों ने हटा देना इधर से। कोई ब्रीक कैंची या टेस्टर वगैरह आपके पास हो तो उससे आप लोग ना इसकी बैक साइड जो है ना यहाँ से इसको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बने होते हैं यहाँ पर फिक्स होती है लॉक में ये पीछे वाली साइड, तो आप लोग इसको निकालने के लिए आप लोगों ने सिंपली करना क्या है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है आप लोगों ने, किस साइड से कौन सी साइड जो है ना वो बाहर निकालनी है। अभी एक बैटरी की वायर है और एक जो है ना वो मेन चाबी स्विच की जो वायर है इस साइड पर है, और ये यहाँ पर पेच लगा हुआ है ना इस साइड पर इसको फिट करना है, ठीक है। सिंपल ही आप लोगों ने इस तरह करके इसको बाहर निकाल लेना, ये निकाल लिया मैंने बाहर इसको लॉक को, स्विच की जो पीछे वाली साइड है ना वो निकाल दिया मैंने जो वायर वाली होती है। अभी इसको चाबी को जो है ना वो अभी देख सकते हैं, अभी जो है ना वो काम नहीं करा, उससे उसके बाद हमने निकाला है इसको। ये पीछे कुछ स्प्रिंग और कुछ गोलियां वगैरह होती हैं जो कि इसको काम करवाने के लिए, स्विच को काम करवाने के लिए होती है। इसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं, ये गोलियां और लॉक जो है ना इसका ध्यान रखना है, ये गुम नहीं होनी चाहिए। अभी ये आ गया मेरे पास स्विच, पहले इसके ऊपर से ये जो है ना लगा हुआ ढक्कन इसका, इसको निकालूंगा मैं बाहर प्लास के साथ। अभी इसको ऊपर से मैं जो है ना इधर से इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। इस ढक्कन जो ऊपर लगा हुआ है ना लोहे का, इसको मैं निकाल लेता हूँ, साइड पर रख लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने किसी ब्रीक चीज़ के साथ इसको जो अंदर वाला हिस्सा है ना वो नज़र आ रहा है लॉक इसका ये वाला, इसको आप लोगों ने दबाना है ज़ोर से। ये आप लोग दबाएंगे तो आसानी के साथ जो है ना वह स्विच जो है ना वो बाहर निकल जाएगा दूसरी साइड की तरफ। ये देख सकते हैं आप, इसको लगा लेते हैं ताकि जो पिने इसके अंदर होती हैं ना वो गुम ना हो, ठीक है ना। ये लॉक आ गया हमारा बाहर, ये आ गया स्विच हमारा। अभी ये देख सकते हैं आप, जब भी चाबी लगे और ये जितनी पिने हैं ना ये सारी की सारी इस लॉक को छोड़कर जो है ना वो बराबर होनी चाहिए। एक पिन जो है ना वो ऊपर है, बाकी जो है ना वो नीचे की तरफ है। अभी ये जो पिन है ना ये वाली, इसको मैं निकाल कर इस जगह पर लगा दूंगा। कोई आप पिने जो है ना वो चेंज करते रहिए, ये जो पिने हैं ना वो आसानी के साथ एक दूसरे जगह पर फिट हो जाती हैं, और फिट होने के बाद जो है ना वो लॉक बिल्कुल ठीक हो जाता है। अभी ये जो पिन है ना अभी मैं चेक कर लेता हूँ कौन सी पिन कौन सी जगह पर अच्छी फिट होती है। ये वाली पिन जो है ना बिल्कुल ठीक है। अभी आगे वाली जो पिन है ना इसको निकाल के मैं इसको इसकी जगह पर जो दूसरी पिन मैंने निकाली थी ना वो लगा लेता हूँ। अभी भी नहीं ठीक, अभी इसको मैं पहले वाली जो जगह है ना पिन लगी है पहले वाली इधर, इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ। लो जी, इसको भी लगा लिया है मैंने यहाँ पर, ये
ये भी पिन फिट नहीं हुई, अभी इसको तीन पिनों के साथ जो है ना फिट कर लेता हूँ। तीन पिनें जो है ना अच्छे तरीके से वर्क करेंगी, और इसके जो स्प्रिंग है ना वो निकाली है बाहर, और तीन पिनें जो है ना अभी लेवल पर हो चुकी हैं। अभी ये लॉक है, अभी इसको बैठा लेता हूँ वहाँ पर जहाँ से मैंने इसको निकाला, ठीक है ना, बाहर निकाला है वहाँ से मैं इसको बैठा लेता हूँ अपनी जगह पर, ठीक है। यहाँ से इसको मैं इस तरीके के साथ बैठा लेता हूँ। अभी जो है ना वो देख सकते हैं स्विच जो है ना वो ठीक काम कर रहा है, और ये मत समझिएगा कि ये पिनें निकाल दी हैं तो स्विच जो है ना वो किसी भी चाबी के साथ फ्री हो जाएगा। अभी मैं दूसरी चाबी इस तरह की कोई भी लगा कर चेक करवा दूंगा, वो बिल्कुल भी इसके फिट इसके ऊपर फिट नहीं होगी, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर से ये जो ढक्कन निकाला था इसको कर लेता है फिट, यहाँ पर ये हमने फिट कर लिया। अभी इसकी जो गोलियाँ हैं और इसकी पीछे वाली साइड है ना ये निकाली थी हमने, इसको फिट करके आप लोगों को चेक करवाता स्विच कैसा काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है ना। अभी जो है ना बाकी काम हमारा, चाबी जो है ना बिल्कुल ठीक लग चुकी है, ठीक है ना। अभी इसमें जो है ना स्प्रिंग डाल के ये जो दोनों खाने हैं ना इसके सुराख हैं, इसको दोनों को हमने इस तरह स्प्रिंग लगा कर गोलियाँ जो है ना वो लगानी हैं याद के साथ, ठीक है। ये जो गोलियाँ ना ये लाना ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके बगैर आपका स्विच जो है ना वो काम नहीं करेगा। गोलियां बैठ चुकी हैं अपनी जगह पर, और ये देख सकते हैं अभी काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी उसके बाद ये जो लॉक है ना ये ऊपर से निकाला था यहाँ पर, इसको लगा कर उसको कर लेंगे फिट, ताकि हमारा स्विच जो है ना वो ठीक हो सके, बिल्कुल नया हो सके, ठीक है, यहाँ पर, ताकि आसानी के साथ जो है ना वो हमारा स्विच जो है ना वो फिट हो जाए, ठीक है। अभी इस साइड से शायद निकाला था, हाँ जी इस साइड से, अभी इस साइड से इस जिस तरह निकाला था उसी तरह इसको फिट कर देते हैं, और इस तरह लॉक को जो हमने हमने टाइट कर दिया। ये स्विच जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है आपके सामने, ठीक है ना, अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है। तो वही चाबी जो है ना की पहले नहीं लग रही थी वही मैंने लगाकर बिल्कुल ठीक कर दिया, ठीक है। इसको स्विच में फिट करके चेक कर लेता हूँ मैं, वो फिट कर लेता हूँ, और उसके बाद इसका स्विच का जो रिजल्ट है ना वो आपके सामने होगा, किस तरह वर्क कर रहा है, आसानी के साथ जो है ना वो काम करेगा, बिल्कुल जो नया जैसा है ना वैसे काम करेगा। लो जी अब बारी है स्विच की, चाबी स्विच जो है ना हमने ही कर लिया है, और वही स्विच जो है ना इसका चेक कर लेते हैं काम कर रहा है अभी कर लेते हैं। देख सकते हैं वही स्विच जो है ना वो हमने ठीक कर लिया है, बिल्कुल वही स्विच है, और हमने उस स्विच को कर लिया है बिल्कुल ठीक, और दूसरी जो चाबी है ना वो लगा कर मैं बताता हूँ वो भी काम करती है नहीं करती, ठीक है ना। अभी मेरे पास ये दूसरी चाबी मौजूद है जो मैंने पहले लगाई थी, अभी इसको लगा कर चेक करवाता हूँ। ये देख सकते हैं ये नीचे भी नहीं जा रही, ठीक है ना। तो जैसे मैंने तरीका बताया वैसे आप अपने स्विच को बिल्कुल जो है ना ठीक कर सकते हैं। इसी छोटे के काम छोटे से काम के साथ आप अपने जो 250-300 रुपये बचा सकते हैं घर में। तो वीडियो कैसे लिंक कमेंट में जरूर बताएंगे, फिर भी लगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, बाबर को अल्लाह।